चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें बेटा, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो आपकी क्लियर होगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कैपेसिटेंस कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए, तो पहले हम लोग स्टेप लिख लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है ये? चलिए, तो चलिए लिखिए, दैट इज स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस। Steps for the calculation of step for the calculation of कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस। ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस। अच्छा, सेम चीज जो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, सेम चीज आपको केबल में भी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहीं पर आप सारी चीजें समझ लेंगे बेटा। ठीक है, यहीं पर आपको सारी चीजें समझ लेना है। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए आपके पास जो है, आप देखेंगे कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते थे। ठीक है, नाउ मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा अभी तक हम लोग कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता था, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हम लोग ने बनाया। मान लीजिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अक्रॉस मैंने किया वी वोल्ट अप्लाई किया। कितना वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया? वी वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया। आप देखेंगे पैरेलल प्लेट की इस वाली प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और बेटा बैटरी की इस प्लेट को आपने दैट इज पैरेलल प्लेट की या फिर जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है उसकी इस प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो ये आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और चार्ज कितना होता है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली आपका सेम निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगी प्लेट। ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव, और जो चार्ज होगा वो आपका इक्वल होगा। अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव, ये प्लेट आपकी जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो इसमें मानो दैट इज प्लस क्यू चार्ज, तो इसमें कितना हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अगर आप इस पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस को निकालना चाहते हैं तो देखेंगे आप लिखेंगे दिस इज नथिंग बट इक्वल टू जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच कैपेसिटेंस मान लीजिए सी। अगर इस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। इन दोनों प्लेट के अक्रॉस आपने वी वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इन दोनों प्लेट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? दैट इज वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और बेटा चार्ज कितना है? दैट इज क्यू। आप चाहे पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लीजिए चाहे निगेटिवली प्लेट का चार्ज, ये बात क्या है? सेम है, हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, दैट इज मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई वी। ठीक है,
अगर आप जो है पॉजिटिवली चार्ज लेंगे तो मॉड लेने पे वो चार्ज आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेंगे मॉड लेने पे वो चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली, दैट इज अगेन वो पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। तो दिस इज द फार्मूला जो होता है कि हम लेते हैं कैपेसिटेंस निकालते समय, कैपेसिटेंस निकालते समय जो चार्ज लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू होगा, लेकिन आपको केवल और केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है कि पैरेलल प्लेट में कितना चार्ज है, ठीक है। साइन के साथ नहीं लेते हैं, ठीक है, साइन के साथ नहीं लेते, तो दैट इज नथिंग बट द आपके किसी भी पैरेलल प्लेट का चार्ज ले लीजिए, क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो दिस इज क्यू डिवाइडेड बाई वी। जनरली आप इसको लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट द मॉड ऑफ प्लस क्यू डिवाइडेड बाई वी, या फिर दिस इज मॉड ऑफ माइनस क्यू डिवाइडेड बी। बात क्या है, एक मॉड लगने पे निगेटिव नंबर भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो जनरल जो फार्मूला होता है उसमें मॉड लगाते हैं, चाहे आप पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लीजिए चाहे निगेटिव प्लेट का चार्ज लीजिए, मॉड लगाने पे वो कितना बन जाएगा, दैट इज प्लस क्यू ही बन जाएगा, फिर आपका क्यू बन जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी। ये हम पढ़ के आते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, दैट इज मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बी। चाहे आप पॉजिटिव प्लेट का चार्ज रखिए चाहे निगेटिव प्लेट का, बात कैसे मॉड लगाने पे वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाएगी। दिस इज द फार्मूला। और कभी भी आपको कैपेसिटेंस निकालना है, जिन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है उन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, और बेटा कितने चार्ज की वजह से निकाल रहा है उस चार्ज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, चार्ज मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल मालूम होना चाहिए आपका, उन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्टेप में लिखने जा रहा हूं। पहला स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा, और एक बार पोटेंशियल आ जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई वी, नथिंग बट द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, पहला स्टेप होगा बाय यूजिंग, अभी गॉस लॉ का क्या होता है देखेंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ बाय यूजिंग द गॉस लॉ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई। सबसे पहला स्टेप होगा गॉस लॉ की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। इंडक्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, उसके एम्पियर सर्किटरी लॉ लगाते थे। यहां पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग द गॉस लॉ विल बी देयर। अच्छा, गॉस लॉ होता क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। गॉस लॉ होता है आपका, गॉस लॉ का टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, किसी गॉसियन क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है वो आपका क्या होता है बेटा, 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते थे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फाई ई। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग फ्रॉम ए क्लोज गॉसियन सरफेस। क्लोज गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो बराबर होगा on ε0 multiplied by charge enclosed by the closed Gaussian surface. इस Gaussian surface के अंदर कितना charge enclosed है? That is Q enclosed. Charge enclosed. ये आपका Gauss law है. कैसे use करेंगे अभी बाद में देखेंगे. ये Gauss law है. इसको अभी लिख लीजिए थोड़ा सा. That is, this is the Gauss law. Total electrical flux leaving from a closed Gaussian surface is nothing but equal to 1/ε times multiplied by charge enclosed by the Gaussian surface. This is the, by using the Gauss law, हम इस law का use करके सबसे पहले क्या करेंगे, electric field intensity को क्या करेंगे, calculate करेंगे, ठीक है। एक बार electric field intensity आ जाएगी तो आपने formula पढ़ा होगा बेटा,
दैट इज E इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डीएक्स. E इज इक्वल टू क्या होता है डीवी बाई डीएक्स, ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, माइनस साइन लगा देते हैं जब हम उसके क्या करते हैं अपोजिंग मैनर में चलते हैं. ठीक है, तो E इज इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स हो जाएगा. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक देखो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा. तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की हेल्प से निकालेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं. ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर देंगे, दैट इज डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डीएक्स. तो आपको वोल्टेज निकालना है, दोनों साइड आप इंट्रीगेट कर दीजिए, इंट्रीगेट डीवी इज इक्वल टू इंट्रीगेट ई इंटू डीएक्स. ठीक है, नाउ यहां पर बेटा कुछ नहीं है, वन होगा, वन अंदर dv लिखा है तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा पोटेंशियल, v इज इक्वल टू e into dx. और बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगी बेटा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी. लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं हुई तो ये बाहर नहीं आ पाएगी. ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी. तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, That is potential equal to होता है. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा वो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. V इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन E into dx. Now, तो सेकंड स्टेप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लेंगे गॉस लॉ की हेल्प से. दूसरा स्टेप होगा पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E into dx. और एक बार पोटेंशियल आपको आ जाएगा, चार्ज आपको दिया होगा, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा, दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल. दिस इज द कैपेसिटेंस. चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड लेना है. ठीक है, चाहे पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लीजिए चाहे निगेटिव प्लेट का चार्ज लीजिए, बात क्या है, सेम है. दिस इज द फार्मूला. चलो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए गॉस लॉ. गॉस लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. हेडिंग डालिए गॉस लॉ. हो गया क्या? अभी आपको सारे स्टेप धीमे धीमे समझ में आ जाएंगे जब मैं कैलकुलेशन करूंगा. मैं कुछ जनरल फार्मूले बताऊंगा और फिर जनरल फार्मूले को यूज करना है. डिप्लोमा लेवल पे जनरल फार्मूला कोई बताएगा नहीं, घिसा पीटा मेथड बताएगा और उससे आप कभी कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे. ठीक है, मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताऊंगा, बस उसी को यूज करना है पोटेंशियल निकालने का. मेन है पोटेंशियल कैलकुलेट करना. पोटेंशियल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला हम लोग अभी डायरेक्ट देख लेंगे जो है. ठीक है, कैसे डायरेक्ट लिखा जाता है. पिछले साल मैंने ड्राइव करवाया था लेकिन ड्राइव करवाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, समझने की कोशिश करें. हेडिंग डालें गॉस लॉ. गॉस लॉ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग phi e से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e लीविंग फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस Gaussian surface, closed Gaussian surface around a charge is equal to 1 by epsilon times to the charge enclosed by the Gaussian surface.
गॉसियन सरफेस। अभी आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, मैं इस स्टेटमेंट को आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ठीक है। बोला है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लीविंग फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड अगर मैं क्लोज गॉसियन सरफेस बनाऊं तो उस क्लोज गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होगा वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस। अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड में अगर मैं क्लोज गॉसियन सरफेस बना, उस गॉसियन सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है उसके बराबर होने वाला है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग फ्रॉम ए क्लोज गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड अगर आप क्लोज गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो उस गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज है, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलो ये आपका स्टेटमेंट है। अब जैसे आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी तरह इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैं फार्मूला लिख देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड दिस इज द एरिया। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना लिखते हैं चले, अभी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, दैट इज कौन सा सरफेस एरिया, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, यहां पर एरिया होगा। अगर आप जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एरिया से, लेकिन ये जो एरिया होगा ये कौन सा एरिया होगा, दिस इज द सरफेस एरिया, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। आपको एरिया रखना है लेकिन किसका एरिया रखना है, आपको अपने गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया रखना है, गॉसियन सरफेस जो आप मानेंगे उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। या फिर गॉसियन कर्व मानो, गॉसियन कर्व का सरफेस एरिया, गॉसियन कर्व लिखो, गॉसियन कर्व का सरफेस एरिया रखना है। ठीक है, चलो अब दो पॉइंट याद रखेंगे, मैं आपको दो पॉइंट बता रहा हूं। अगर आपके पास किसी पॉइंट चार्ज, देखो ये जो गॉस लॉ हम लोग लगाने वाले हैं इतना पहले लिख लो फिर मेरी बात समझो,
क्या हो गया? आगे चले, चल मेरे ख्याल से हो गया होगा। चल यहां में देखो, गॉस लॉ हम लोग लगा रहे हैं क्या चीज निकालने के लिए? गॉस लॉ हम यूज करेंगे, गॉस लॉ हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए। और जब गॉस लॉ लगाएंगे ना, तो आपको कौन सा फ्लक्स लिखना पड़ेगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के टर्म में। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स दैट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन कर्व होने वाला, क्लोज गॉसियन कर्व के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, अब जरा कुछ पॉइंट देखेंगे। अगर आप देखो, मान लो एक मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो पॉइंट चार्ज, आप दो कक्षा 12th में पढ़ते होंगे पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ध्यान से देखिए, आपके पास दो चार्ज होंगे, दैट इज एक पॉइंट चार्ज होगा, एक आपके पास लाइन। तो मैं पहले बात करूं पॉइंट चार्ज के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू का, ये प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज है। इस प्लस क्यू के पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे बेटा? आर डिस्टेंस पे। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। मान लो आप जो है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहां पर आप प्लस 1 कूलम का चार्ज रख देते थे। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स जो होगा वो अब क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। इस डायरेक्शन फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको मैं मान लेता हूं ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ई। और बेटा इस E की वैल्यू आप पढ़ के आए हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पे जो कि पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पे, दैट फार्मूला इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या ये लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं? कक्षा 12 में आप ये फार्मूला पढ़ के आए होंगे। और इस फार्मूले को मैं गॉस लॉ से क्या करने जा रहा हूं? कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं गॉस लॉ की हेल्प से, मैंने बोला कि गॉस लॉ लगाया जाता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यू कैन बी यूज द गॉस लॉ। ठीक है, आप 12th में पढ़ के आए थे, गॉस लॉ भी पढ़ के आए थे और डायरेक्ट इस फार्मूले को भी पढ़ के आए थे। अब हम लोग इसी फार्मूले को प्रूव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे आपको एक गॉसियन सरफेस, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का शेप अलग-अलग होता है। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस आपका स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है। और वहीं अगर आपके पास लाइन चार्ज होगा, लाइन चार्ज कंडक्टर इज नथिंग बट ए लाइन चार्ज, कंडक्टर इज नथिंग बट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के लिए जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो पहले दो पॉइंट लिखेंगे, इतना लिख लीजिए, हम लोग बात करें धीमे धीमे से, बहुत ही आराम से समझिएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन आपको नॉर्मली कोई बताएगा नहीं। ठीक है, इलाहाबाद में तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कराता, डायरेक्ट फार्मूला लिखाता और फार्मूले आप याद करते रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, आप प्रोसेस जाइए, केबल समझना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं दैट इज दो चीज। पहले आपके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉइंट चार्ज। पहले लिखेंगे फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो पॉइंट चार्ज, गॉस लॉ से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू, तो पॉइंट चार्ज ये आपका क्या है? प्लस क्यू। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा जो गॉसियन सरफेस का शेप होगा, फॉर पॉइंट चार्ज द गॉसियन सरफेस द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस शेप ऑफ गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन कर्व, शेप ऑफ गॉसियन कर्व
इज स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार होता है बेटा। कैसा कंसीडर किया जाएगा? फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा जो गॉसियन सरफेस का शेप है वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, ठीक है। अब कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर कैसा चार्ज होता है? कंडक्टर तो ऐसे होता है ना बेटा, दिस इज योर कंडक्टर, दिस इज योर कंडक्टर, ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर में आप देखेंगे जब करंट पास करेंगे तो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो आपका प्लस आई करंट फ्लो कर रहा है, प्लस आई करंट का मतलब जो है दैट इज पॉजिटिव चार्ज इससे क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, मान लीजिए कंडक्टर के, कंडक्टर में जो चार्ज होता है उसके में से सरफेस पे होता है, ठीक है। कंडक्टर कैसा चार्ज है? एक लाइन चार्ज है। मान लीजिए इस कंडक्टर में आपका पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर आपका पॉइंट चार्ज नहीं होता, ये लाइन चार्ज होता है, ठीक है, लाइन चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है, और बेटा लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है। दिस इज योर लाइन चार्ज, ये कैसा चार्ज है बेटा? कंडक्टर, ये मैंने कंडक्टर माना है, दिस इज योर कंडक्टर, कंडक्टर कैसा चार्ज होता है बेटा? दिस इज ए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के लिए आपका गॉसियन सरफेस का शेप सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो सिलेंड्रिकल हम गॉसियन सरफेस मानते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है? इसकी रेडियस आपने स्फेरिकल होता है, स्फेयर की रेडियस जीरो कर दो तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉइंट इज नथिंग बट, अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो स्फेयर बन जाएगा, पॉइंट इज नथिंग बट स्फेयर, तो इसलिए स्फेरिकल मानते हैं। लाइन चार्ज सिलेंड्रिकल होता है, आपका गॉसियन सरफेस कैसा मानते हैं? द शेप ऑफ लाइन चार्ज के लिए जो शेप होगा, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन कर्व इज सिलेंड्रिकल, कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। दो चीज आपको पहले याद होनी चाहिए, अगर मैं कभी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस लाइन चार्ज के अराउंड मुझे एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा जो कि कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। लाइन चार्ज से किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको एक क्लोज गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होने वाला, ठीक है। चलिए अब मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहा हूं गॉस लॉ की हेल्प से, ध्यान से देखिएगा पॉइंट चार्ज की वजह से। चलो इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, लिखें मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू है, कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से मैं कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। तो बेटा जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो डायरेक्शन देख लेते हैं, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वहां पर आप प्लस वन कूलम का टेस्ट चार्ज रख लीजिए, प्लस वन कूलम का, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस वन कूलम को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जो इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो एक पॉइंट पी है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी आउटसाइड होगी, और कितना मान रहा हूं? ई मान रहा हूं, कितना मान रहा हूं? ई मान रहा हूं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आप आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। कैसा सरफेस? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा बेटा? दैट इज नथिंग बट द स्फेरिकल होगा। अब स्फेरिकल है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? तो इस पॉइंट चार्ज क्यू से जितनी डिस्टेंस पे आप क्या कर रहे हैं बेटा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उतनी रेडियस को, उतनी उस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए इस पॉइंट चार्ज क्यू के अराउंड क्या करेंगे? एक स्फीयर बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, एक
दैट इज द क्या बनाने वाले स्फीयर बना, स्फीयर मतलब हो गया दैट इज गोलाकार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ की हेल्प से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इस आर डिस्टेंस में पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज क्यू से जितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आर डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए क्या करेंगे, आप एक स्फीयर बनाएंगे, फिर पॉइंट पी से एक स्फीयर क्या कर देंगे, पास कर देंगे, आपका एक स्फीयर बना रहा हूं, स्फीयर स्फीयर, नाउ आई कैन बी मेक ए स्फीयर, यहां मैं एक स्फीयर बना रहा हूं पॉइंट पी से, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए उस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट से आप एक क्या करेंगे, स्फीयर, स्फीयर को पास करेंगे। पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस होगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए उस पॉइंट पे आप गॉसियन सरफेस क्या करने वाले, ड्रॉ करने वाले गॉसियन। पॉइंट चार्ज के केस में इस गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होने वाले, स्फीयर। तो आप जो है, अगर इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज क्यू के अराउंड आर रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर बना रहा हूं बेटा, स्फीयर। कितनी डिस्टेंस का, आर डिस्टेंस में निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट चार्ज क्यू के अराउंड आर रेडियस का एक स्फीयर बनाना है, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का। चलो स्फीयर में बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर स्फीयर, चलो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, मैं इसको थोड़ा सा 20 से बनाता हूं, ठीक है, चलो 20 से बनाता हूं, थोड़ा सा शेप आपको क्लियर रहे। आपको इस पॉइंट गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पहले मैं लिख देता हूं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की हेल्प से हम पॉइंट चार्ज क्यू, एक मेरे पास पॉइंट चार्ज क्यू है प्लस क्यू कूलम का पॉइंट चार्ज है, इस प्लस क्यू कूलम के चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस की रेडियस का एक स्फीयर खींचेंगे, स्फीयर खींच रहा हूं बेटा मैं, जितनी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उतनी डिस्टेंस की रेडियस का, उतनी डिस्टेंस की रेडियस का आप क्या करने वाले हैं, एक स्फीयर खींचने वाले, ये आपका है, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज के केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, आपका स्फेरिकल होगा, दिस इज द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, कितना कैसा सरफेस है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, विच इज, विच इज स्फेरिकल इन शेप। मैंने स्फेरिकल शेप, स्फीयर, गोलाकार शेप, ठीक है। चलो अब आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है कि आपने क्या किया, जिस पॉइंट आप इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी थी, ई मानी थी। आपने इस पॉइंट चार्ज की, इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मानी थी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो जितनी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उतनी डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए आप क्या करेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, गॉस लॉ ने बोला
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो बराबर होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। तो आप ये बताइए, इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, इस गॉसियन सरफेस का। ये गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फीयर है, कितनी रेडियस का स्फीयर है, आर रेडियस का। आर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr2। हेलो, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, गोले का सरफेस एरिया, अगर आर रेडियस का गोला है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज 4πr2। मैं लिख रहा हूं बेटा, गॉस ने बोला दैट इज टोटल, ध्यान से देखिए, टोटल गॉस ने बोला टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इस क्लोज गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास करेगा वो बराबर होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस। दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ध्यान से देखिएगा, अब इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, मल्टीप्लाइड बाई, मैंने बताया था कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो बेटा ये सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है ये आपका स्फीयर है, स्फीयर कितनी रेडियस का स्फीयर है, आर रेडियस का है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, दिस इज 4πr2, दैट इज ये आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द दिस गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, कितना चार्ज है, एक ही पॉइंट चार्ज है, कितना है, क्यू कूलम का, कितने कूलम का चार्ज है, क्यू कूलम का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस गॉसियन सरफेस पे आ जाएगी, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगी, आर डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4πr2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, दिस इज इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4πr2 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने फार्मूला ड्राइव किया है किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। क्या फार्मूला सेम आया, क्या किसी को कोई डाउट है, बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ी नहीं होंगी। कभी भी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो जितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी उतनी डिस्टेंस की रेडियस का आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस का शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, मतलब अगर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो आर डिस्टेंस का स्फीयर खींच देंगे, अगर एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट चार्ज तो एक्स डिस्टेंस का स्फीयर खींच देंगे, ठीक है। और बेटा उस स्फीयर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई उस बेटा स्फीयर का सरफेस एरिया, अगर एक्स रेडियस का जो है स्फीयर होगा तो 4πx2 आपका जो है सरफेस एरिया होगा, ठीक है, सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया दैट इज नथिंग बट द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज इनक्लोज बाई द गॉसियन सरफेस। बस ये आपने निकाल लेना, तो आप देखेंगे ये चीज मैंने निकाला, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है दिस इज गिवन बाय द ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0
क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें तो बेटा बात करनी है ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास कैसा चार्ज होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर एक लाइन चार्ज होता है। लाइन चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखना, ठीक है? चलिए तो इसको निकालते हैं हम लोग गॉस लॉ की ओर। चलिए चले आगे। क्या किसी को कोई शक है? चलो आगे चलते। लिखे लेट अस कंसीडर। अब मैं लाइन चार्ज के बारे में बात करूं। कंडक्टर इज नथिंग बट ए लाइन चार्ज। सर नीचे कर दीजिए, लिख नहीं पाए क्या अभी? लो जल्दी लिखो। लाइन चार्ज की वजह से कंडक्टर इज नथिंग बट ए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकालने जा रहे हैं। और जो फार्मूला होता है वो होता है दैट इज नथिंग बट द Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई x। दिस इज द फार्मूला। और ये फार्मूला आपको कंट्रोल सिस्टम कल खत्म हो जाएगा। कंट्रोल सिस्टम कल खत्म हो जाएगा और मंडे से आपका मटेरियल स्टार्ट होगा ऑफलाइन पे, ठीक है? तो जिसको करना है आ सकता है कोचिंग पे, ठीक है? हिमांशु सर मटेरियल की क्लास लेंगे। लेकिन आई कार्ड होना जरूरी है। ये ना सोचें कि सर हमारी शक्ल देख लीजिए आप हमको जानते हैं, ठीक है? क्योंकि वहां हम आई कार्ड चेक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? ये हम जानते हैं, हमें एंट्री दे दीजिए। आप आई कार्ड लाइए ऑनलाइन में पढ़ा देंगे। लेकिन जो लोग इलाहाबाद में ऑफलाइन आ सकते हैं ऑनलाइन में मटेरियल पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी चल रहा है, जो लोग करना चाहते तो वेलकम है, नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन में आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है? चलो लगभग जो है मेरे ख्याल से 10 से 12 लेक्चर का मटेरियल होगा, जिसमें आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये सब, क्योंकि मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मॉर्निंग में 7 बजे से टाइमिंग रहेगी, ठीक है? मॉर्निंग में 7 बजे से टाइमिंग रहेगी। चलो बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? लाइन चार्ज, कंडक्टर ये लाइन चार्ज। तो पहला पॉइंट लिखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये ऑलवेज कंसीडर ए लाइन चार्ज। एक कंडक्टर, एक कंडक्टर इज ऑलवेज कंसीडर ए लाइन चार्ज। कंडक्टर को कैसा चार्ज होता है? पॉइंट चार्ज नहीं माना जाता है। कौन सा चार्ज माना जाता है? लाइन चार्ज, ठीक है? चलो चलो कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर एक कंडक्टर जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्टर इज नथिंग बट ए कैसा चार्ज है? लाइन चार्ज। ऑफ ए रेडियस आर हैविंग चार्ज प्लस क्यू कूलम पर मीटर। एक मीटर लेंथ में कितना चार्ज है? क्यू कूलम का चार्ज है, ठीक है? लाइन चार्ज में जो टोटल चार्ज नहीं दिया होता, चार्ज जब डिफाइन करते हैं वो पर मीटर लेंथ डिफाइन करते हैं, हर एक मीटर पे। मैं आ रहा हूं एक मिनट।
क्या तुम लोग कैमरा खोल लो, तुम लोग कैमरा बंद किए हो? चलो लिख लिया आप लोगों ने। हमेशा लाइन चार्ज में जो चार्ज दिया होगा वो हमेशा पर यूनिट लेंथ का दिया होगा, ठीक है, पर यूनिट एक मीटर लेंथ का चार्ज दिया होगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर जो कि लाइन चार्ज है, हैविंग ए रेडियस आर एंड चार्ज इज प्लस क्यू कूलम पर मीटर, ठीक है। और जो आपका कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पे आपका जो है क्यूमुलेट होता है। आपने अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर को प्लस क्यू कूलम से चार्ज किया तो चार्ज कंडक्टर के अंदर कभी भी नहीं होगा, हमेशा उसके सरफेस में क्यूमुलेट होगा, चार्ज आपको हमेशा उसके सरफेस में दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिखिए, चार्ज इज ऑलवेज एक्यूमुलेटेड accumulated on the surface of the conductor। और ये जो होता है उसके सरफेस में जमा होगा, कैसा जमा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसा, यूनिफॉर्मली। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द चार्ज इज, दे दीजिए, द चार्ज इज ऑलवेज uniformly distributed on the surface of the conductor, uniformly distributed on the surface of the conductor।
तो यहां से एक दो क्वेश्चन बनता है, पहले वो मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक लाइन चार्ज है, पहले हम लोग साइड व्यू में आपको दिख रहा हूं, कैसा व्यू दिख रहा हूं, साइड से खड़ा होके। नाउ दिस इज ए लाइन चार्ज, ठीक है। नाउ दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ मान लेता हूं मैं L, कितनी लेंथ है, कैपिटल L लेंथ का आपका कंडक्टर। L मीटर का कंडक्टर है, कैपिटल L मीटर का कंडक्टर है। इस पे जो चार्ज है वो कितना है बेटा, प्लस Q कूलाम पर मीटर। एक मीटर लेंथ में प्लस क्यू कूलम, तो एल मीटर लेंथ में कितना होगा, क्यू इंटू कैपिटल एल, इतना टोटल चार्ज होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो जो चार्ज होगा, चार्ज कभी भी जो है, जब आप इसको किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे या फिर उसमें चार्ज जो है आप अप्लाई करेंगे या फिर आप जो है इसको चार्ज करेंगे, तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के कहां पर दिखेगा, सरफेस में दिखेगा। और सरफेस में कैसा चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। प्लस क्यू कूलम का चार्ज माना है, तो दैट इज आपका जो है कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो आपका उसके सरफेस में एक्यूमुलेट होता है, और कैसा होगा, यूनिफॉर्मली, दैट इज प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, प्लस क्यू कूलम पर मीटर। चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस में जमा होगा, प्लस क्यू कूलम पर मीटर। टोटल चार्ज निकालना है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मैंने इस कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, और चार्ज कितना है बेटा, प्लस क्यू कूलम पर मीटर। एक मीटर लेंथ का चार्ज होगा, टोटल चार्ज के लिए आपको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, तो टोटल चार्ज आपके इस कंडक्टर पे आ जाएगा। रेडियस कितनी है इस कंडक्टर की, रेडियस है आर, रेडियस है आपकी आर, रेडियस है आर। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, व्हाट द इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्यू। यहां पर देखिए, पॉइंट चार्ज के केस में मैंने आपको निकाला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है। एक मिनट, कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है। अगर चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडक्टर के अंदर क्या होगी, जीरो होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग, आपके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, आपका चार्ज जीरो होता है। अगर चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बी से, तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेंसिटी के बीच में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द फार्मूला, डी रिप्रेजेंट।
लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखें कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है, सरफेस पे जमा होता है चार्ज, अंदर जीरो होता है, और अगर चार्ज अंदर जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा कंडक्टर के अंदर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी क्या होती है कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होगी। पोटेंशियल कितना होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो होता है कि कॉन्स्टेंट होता है, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। हाँ, आपका कांस्टेंट होगा, ध्यान से देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दैट इज ई इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डीएक्स। अब देखें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और अगर मैं वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा, हेलो, कंडक्टर के अंदर अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, जीरो आता है। हेलो, दिस इज नथिंग बट द, इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। वोल्टेज देखना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वोल्टेज कैसा, अगर वोल्टेज मेरा कॉन्स्टेंट होगा, अगर वोल्टेज मेरा कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, जीरो आएगी। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है तो कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर का ही डिफरेंशिएशन करने पे जीरो आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट। जितना पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल आपके कंडक्टर के सेंटर पे भी होगा। हेलो, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमेशा पोटेंशियल कहां पर निकालते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे निकालते हैं। जितना पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस पे होगा उतना ही आपका कंडक्टर के सेंटर पे भी होगा, क्योंकि अंदर पोटेंशियल कैसा है, कॉन्स्टेंट है, सेम पोटेंशियल, जो पोटेंशियल सरफेस पे वही आपका पोटेंशियल आपके कंडक्टर के अंदर या फिर सेंटर पे। कंडक्टर के अंदर हमेशा आपका जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये कैसा व्यू, हम लोग यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, ये कैसा व्यू मैंने बनाया कंडक्टर का, ये कैसा व्यू बनाया, साइड व्यू बनाया, ये कैसा व्यू मैंने बनाया, दिस इज द साइड व्यू। अभी हम कंडक्टर को साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं, यहां से हम लोग फ्रंट व्यू बनाने वाले, फ्रंट व्यू बोलिए या फिर टॉप व्यू, यहां से कंडक्टर को देखेंगे, यहां से फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू एंड दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। ये मैंने अभी साइड से देखा है कंडक्टर को, ये साइड से देखा, अब इसी कंडक्टर को हम लोग कहां से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कंडक्टर को ऐसे बनाता तो ये वाला कहलाता टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा है, और ये कहलाता आपका दैट इज नथिंग बट द आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। मैंने ऐसे टेढ़ा कंडक्टर होरिजेंटल बनाया तो ये मेरा फ्रंट व्यू, मैं अगर यहां से देखूंगा तो ये मैं इसके फ्रंट से देख रहा हूं, दिस इज साइड से देख रहा हूं, और अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये इसके फ्रंट, फ्रंट मींस होता है सामने, और ये होता है साइड से खड़े होकर देखना, दिस इज योर साइड व्यू, ये कंडक्टर का साइड व्यू। अब मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू से देख तो आपको केवल ये कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। चलो मैं बना रहा हूं, जब आप अपने कंडक्टर को फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो आपको सिलेंड्रिकल नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, केवल सर्कुलर पार्ट दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। चलो यहां तक लिखिएगा, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है, जीरो, कितने चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बना रहा हूं कौन सा व्यू बेटा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू देखेंगे यहां से, फ्रंट व्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू।
एंड दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। तो ये मैंने अभी तक आपको साइड व्यू दिखाया था, कैसे व्यू दिखा था, साइड व्यू। अब फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देखेंगे तो जो आपके पास कंडक्टर होगा वो आपको सर्कुलर दिखाई देगा। कैसे दिखाएगा, सर्कुलर ऐसा दिखाई देगा, और ऐसा ही फिगर हमेशा बनाया भी जाता है। लेकिन ये आपको दिखना चाहिए कि भाई ये कंडक्टर है, लाइन चार्ज है, एक्चुअली में सिलेंडर होगा, लेकिन जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। नाउ आपके इस लाइन चार्ज या फिर कंडक्टर में कितना चार्ज है, प्लस क्यू कूलम, और जो कंडक्टर में चार्ज होगा वो कहां पर होगा, इसके सरफेस में एक्यूमुलेट होगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। This is plus q coulomb per meter. What is the radius? Radius is r. Conductor के अंदर charge zero, electric field होती है zero, electric field density होती है zero, और potential कैसा होता है, constant. Potential आपका कैसा होता है, constant होता है। यहां पर आपको लेंथ नहीं दिखेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज बताइए, तो एक मीटर लेंथ में क्यू है, तो एल मीटर लेंथ का मैंने कंडक्टर लिया था, तो टोटल चार्ज अभी निकाल देता हूं, इसको बना लीजिए। चलो अगर मेरा L लेंथ का, ये L लेंथ का, आपको पूरा लेंथ नहीं दिखेगा, केवल आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको केवल और सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। नाउ आपको इमेजिन ये चीज करना है, कैलकुलेशन करते समय ये इमेजिन होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है कंडक्टर, ठीक है। आप देखे टोटल बेटा आपका चार्ज निकालना चाहते हो, अगर मेरा L लेंथ का मेरे पास कंडक्टर है और बेटा जो चार्ज दिया है एक मीटर लेंथ में क्यू, तो L मीटर लेंथ में टोटल चार्ज निकालो, तो लिख रहा हूं बेटा टोटल, यहां लिख देता हूं टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू एक मीटर लेंथ में है प्लस क्यू कूलम, और कितने मीटर लेंथ का है, एल मीटर का है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q इंटू एल कूलम। सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटेंस को, नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम्स को, दैट इज कूलम्स, इतना कूलम्स चार्ज है। चलिए अब हेडिंग डालिए बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस एक्स। तो ये मैंने आपको पहले लाइन चार्ज के बारे में बताया कुछ चीजें जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। लाइन चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, यही आपको यूज करना है, यही फार्मूला, क्योंकि तो कंडक्टर जो होता है लाइन चार्ज होता है, जब देखेंगे ना तो फ्रंट से हम देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है, एक्चुअली में सिलेंड्रिकल होता है, सर्कुलर दिखता है लेकिन एक्चुअली में सिलेंड्रिकल होता है। जब आप इसको साइड से खड़े होकर देखेंगे तो सिलेंड्रिकल दिखेगा, अगर फ्रंट से खड़े होकर देखेंगे तो आपको दैट इज द सर्कुलर दिखेगा। चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज मतलब कंडक्टर एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज एट ए पॉइंट एक्स
फ्रॉम द लाइन चार्ज. लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं. चलो यहां मैं एक लाइन चार्ज कंसीडर कर रहा हूं और इस लाइन चार्ज का जो लेंथ है वो एल मीटर लेंथ का है. उस पे जो चार्ज है वो आपका प्लस क्यू कूलम पर मीटर है, ठीक है. और कितनी रेडियस का लाइन चार्ज है, आर रेडियस का लाइन चार्ज है, मतलब कंडक्टर है, ठीक है. चल ध्यान से देखिएगा, चल दिस इज ए लाइन चार्ज, कितनी लेंथ का लाइन चार्ज ले रहा हूं बेटा, एल लेंथ का. नाउ दिस इज द सेंटर, सारी डिस्टेंस आप सेंटर से मेजर करते हैं. This is the center of the conductor. L meter का line charge है और इस पे जो charge वो इसके surface पे, line charge पे हमेशा जो charge होता है वो उसके surface पे होता है, ठीक है. Now this is the plus Q coulomb पर मीटर. तो टोटल लेंथ मानो, मैं टोटल चार्ज निकाल लेंगे इस लाइन चार्ज पे कितना होगा. दिस इज, लिख देता हूं, लेट अस कंसीडर लाइन चार्ज का मतलब कंडक्टर. लेट अस कंसीडर एक कंडक्टर, लाइन चार्ज का मतलब कंडक्टर जिसको हम लोग लाइन चार्ज बोल रहे हैं. लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर और ए लाइन चार्ज ऑफ ए रेडियस आर एंड हैविंग प्लस क्यू कूलम पर मीटर चार्ज. एक मीटर लेंथ में कितना कूलम चार्ज है, प्लस क्यू. रेडियस में लिख देता हूं, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस है आर, ठीक है. और जो चार्ज है वो कितना है बेटा, दिस इज नथिंग बट द प्लस क्यू कूलम पर मीटर. टोटल लाइन चार्ज पे आप चार्ज निकालें, एल लेंथ का लाइन चार्ज या फिर एल लेंथ का कंडक्टर लिया. इस कंडक्टर से या फिर लाइन चार्ज से हम कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है. चलो इस लाइन चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे सेंटर से, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे. इस कंडक्टर से या फिर लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए प्लस वन कूलम का टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा. तो बेटा इस लाइन चार्ज या फिर इस कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी. तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मानो, ई एक्स. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूं, ex मान रहा हूं, ठीक है. इस लाइन चार्ज से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट भी मान सकते हैं p, ठीक है. चलो इस लाइन चार्ज से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है और इस पॉइंट चार्ज से इस
इस लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली है ई एक्स, इस ई एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर लाइन चार्ज की वजह से आप जो है एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वहां पर आपको एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, वहां पर आपको एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। लाइन चार्ज के केस पे जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप इस लाइन चार्ज या फिर कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कितनी मानी है ई एक्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के लिए आपको इस पॉइंट पी पे एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो मैं क्या करने वाला, एक सिलेंडर कंसीडर करूंगा जो कि इस पॉइंट पी से पास करेगा, दिस इज अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। लाइन चार्ज के केस में जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं पॉइंट पी पे जो कि आपका आपके इस लाइन चार्ज या फिर कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस या फिर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एक्स को निकालने के लिए आपको इस पॉइंट पी पे या फिर एक्स डिस्टेंस पे आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर। व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल। मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, मैं एक सिलेंडर कंसीडर करने वाला हूं, नाउ आई कैन बी कंसीडर सिलेंडर जो कि इस पॉइंट पी से क्या करेगा, पास करेगा। कितनी लेंथ का होगा, कितनी लेंथ का, जितनी लेंथ का कंडक्टर होगा उतनी लेंथ का आपको गॉसियन सरफेस भी कंसीडर करना है। ध्यान से देखिए, लाइन चार्ज के केस में जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। पॉइंट पी पे निकाला था तो पॉइंट पी से पास होता हुआ मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, और ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा। नाउ दिस इज योर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लाइन चार्ज के केस में जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, गॉस लॉ लगा देना, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन बाय अप्लाइंग ए गॉस लॉ। ध्यान से देखिए, अच्छा बताओ ये जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है इसकी सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस, हेलो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, कितनी है ये, एक्स है। एंड व्हाट इज लेंथ, कितना लेंथ है, एल लेंथ का सिलेंडर है, ठीक है। अगर मेरे पास एक सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेलो सिलेंडर का सरफेस एरिया बताओ, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर मान लो एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, 2πr(h), यही होता है ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr(h). अगर सिलेंडर की रेडियस आर है और हाइट या फिर लेंथ आपकी h है, तो सरफेस एरिया होगा 2πrh, ठीक है। ये जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, ये गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस बताओ, इसका रेडियस हो जाएगा x और इसका जो हाइट या फिर लेंथ हो जाएगा दैट इज द कैपिटल L, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2πx, रेडियस है x एंड हाइट या फिर लेंथ है दिस इज L, ये इसका सरफेस एरिया होगा, खत्म हो गया बाय अप्लाइंग। ध्यान से देखिए, by applying the Gauss law, Gauss law ने बोला कि इस closed, hello point P पे जो मैंने closed Gaussian surface कंसे, इस Gaussian surface से जो total electric flux pass होगा, hello ये जो Gaussian surface माना है cylindrical Gaussian, इस Gaussian surface से total ये जो है इसके surface से जो electric flux pass होगा, hello इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस या फिर दिस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस, यहां पर जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल, इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के, इस क्लोज्ड गॉसियन कर्व जो कि सिलेंडर है, इसके सरफेस से ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1/ε टाइम्स इज नथिंग बट द चार्ज
enclosed by the closed गॉसियन कर्व। ये जो आपने गॉसियन कर्व कंसीडर, इस गॉसियन कर्व के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है ये बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? आप इस पॉइंट पी पे जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ई एक्स। इस गॉसियन कर्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ई एक्स। इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सरफेस एरिया आपका जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा, रेडियस होगी सिलेंडर की आर, दैट इज एक्स, एंड आपकी हाइट कितनी होगी एल। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू एल, दैट इज 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई। इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है? ये लाइन चार्ज ही तो इंक्लूड है। इस लाइन चार्ज में कितना चार्ज है? हेलो, एल लेंथ का लाइन चार्ज इसके अंदर है, एल लेंथ का लाइन चार्ज है, तो इसमें कितना टोटल चार्ज होगा? टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये लाइन चार्ज इंक्लूड है, इस लाइन चार्ज में टोटल चार्ज बताओ ना, टोटल कितना चार्ज है? आपका 1 मीटर लेंथ में क्यू है, तो एल मीटर लेंथ का लाइन चार्ज इंक्लूड है, तो दैट इज कितना हो जाएगा? क्यू इंटू एल। कोई दिक्कत है क्या? इतना चार्ज आपका इंक्लूड होगा, इतना कूलम। तो आपका लाइन चार्ज की वजह से, हेलो, इस लाइन चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एक्स है, ई एक्स बोलिए, फिर गॉसियन सरफेस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय द फार्मूला ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू into L divided by ε0 into 2 pi x into L. L से L कट जाएगा, लेंथ आपकी कट जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां पर ध्यान से देखें, दिस इन रिटर्न एज 1/ 2 पाई ε0 क्यू डिवाइडेड बाय x। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इतना वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। दिस इज द फार्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज बोलिए, फिर ड्यू टू द कंडक्टर, ड्यू टू लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस एक्स। लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है लाइन चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा? 1/4π इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लाइन चार्ज की वजह से होगा 1/2πε0 क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया, चलो अब जब हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल अच्छा लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या वो कांस्टेंट है क्या? अगर बेटा मैं इस लाइन चार्ज से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे इस लाइन चार्ज से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर x मेरा बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम होती है। मतलब आपका जैसे जैसे आप जो है पॉइंट लाइन चार्ज से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज ए वेरिएबल। अगर x चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी क्या होगी? चेंज। कॉन्स्टेंट नहीं है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट।
ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग निकालने वाले, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहा हूं जहां इसका यूज आएगा। लिखिए जरा, एक लाइन चार्ज आपके पास, एक लाइन चार्ज की वजह से, मान लो उस लाइन चार्ज पे प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और उससे एक पॉइंट है ए डिस्टेंस पे और दूसरा पॉइंट है बी डिस्टेंस पे, तो इस लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और पॉइंट बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्रिएट होगा, यहां भी पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो बेटा किसी लाइन चार्ज की वजह से दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने जा रहे हैं। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गॉस लॉ की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद पोटेंशियल निकाल लेते हैं। एक बार दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल है, दोनों को आप जो है क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग। नाउ यू कैन बी कंसीडर पोटेंशियल, लिखो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लाइन चार्ज due to line charge across the point A and B, दो पॉइंट A और B है, उन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। चलो ये मेरे पास एक लाइन चार्ज है, ध्यान से देखिए, नाउ दिस इज अ लाइन चार्ज और आर रेडियस का लाइन चार्ज है, ठीक है, और इस लाइन चार्ज पे कितना चार्ज है सरफेस पे, प्लस क्यू कूलम ठीक है, व्हाट इज द लेंथ एल मीटर का है, चार्ज इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस क्यू कूलम पर मीटर, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है आपका, इस लाइन चार्ज से दूरी पे दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, पॉइंट ए लाइन चार्ज से आर ए डिस्टेंस
हैं, सेंटर से मेजर करते हैं, और पॉइंट बी आपका लाइन चार्ज से आरबी डिस्टेंस पे। चार्ज की वजह से, हेलो, इस लाइन चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा, और इस लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है, हेलो, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल आता है, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल। तो इस लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा दैट इज वी ए, और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज द वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, जिसको हम वी ए बी बोलते हैं, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस लाइन चार्ज की वजह से, ये हमें निकालना है। ये वाला फिगर हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग कौन सा व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, ये वाला फिगर नहीं बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, फिगर हम बनाते हैं टॉप व्यू वाला। ये मैंने कैसा फिगर बनाया, ये साइड, यहां से मैं देखता हूं, यहां से देख रहा हूं, ये साइड व्यू है, दिस इज साइड व्यू। हम लोग कौन सा व्यू बनाने वाले, टॉप व्यू बनाने वाले, टॉप व्यू बनाने वाले, ठीक है। चलो मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। चलो अब मैं टॉप व्यू बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, टॉप व्यू ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास लाइन चार्ज हो गया आर रेडियस का, ये मेरे पास लाइन चार्ज है आर रेडियस का, इस पे कितना, इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू कूलम चार्ज है, क्योंकि लेंथ पे नहीं डिपेंड करती इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, इसलिए लेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, इसलिए आप टॉप व्यू बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चार्ज कितना है बेटा, दैट इज प्लस क्यू कूलम पर मीटर, ठीक है। इस लाइन चार्ज से, एक मिनट, हेलो, चलिए यहां से आप देखेंगे कि इस लाइन चार्ज से आर ए डिस्टेंस पे, हेलो, कितने डिस्टेंस पे, इस लाइन चार्ज सेंटर से डिस्टेंस मानते हैं, आर ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, डिस्टेंस पे आर ए डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट आपके पास बी है, कितने डिस्टेंस पे बेटा, सेंटर से आर बी डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों, इन दोनों पॉइंट के बीच में इस लाइन चार्ज की, इस लाइन चार्ज में प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे, ये बताओ इस लाइन चार्ज की वजह से, अच्छा इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाए, ये बताओ जब मैं इस लाइन चार्ज की वजह से
इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां पर यहां पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट आएगी क्या? नहीं, ये पॉइंट आपका अलग डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, ये पॉइंट अलग डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो इस लाइन चार्ज की वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कॉन्स्टेंट नहीं होगी, क्या नहीं होगी? कॉन्स्टेंट नहीं होगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीएक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इन दोनों पॉइंट ध्यान से देखें, इन दोनों पॉइंट के बीच में आप एक बहुत छोटी सी लेंथ dx लेंथ का एक सेक्शन कट करेंगे, और बेटा जो dx लेंथ वो छोटा होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी x डिस्टेंस पे होगी वही dx लेंथ पे होगी। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस लाइन चार्ज से x डिस्टेंस में जो x डिस्टेंस होगी वो इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इस लाइन चार्ज से कितना डिस्टेंस बेटा, x डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस में मान लीजिए एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया P, कितना पॉइंट कंसीडर किया, P पॉइंट कंसीडर किया, P पॉइंट कंसीडर, कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे। तो लाइन चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं पॉइंट P पे, पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो लिख रहा हूं बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी गॉस लॉ से ही हम लोगों ने निकाली थी, ड्यू टू लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लाइन चार्ज। लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी माना है, और इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ई एक्स, that is given by the formula 2 pi epsilon naught q divided by x, ये electric field intensity होने वाली है, इतना volt per meter, ये electric field intensity होने वाली है, ठीक है। हमने क्या किया, इस line charge से x distance पे एक elementary section cut किया, कितनी length, dx length का, मैंने आपके इस line charge से x distance पे electric field मालूम है, electric field मालूम है, ठीक है। और बेटा इस लाइन चार्ज से x डिस्टेंस में एक एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर किया, नाउ एक एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर किया, कितनी लेंथ का है बेटा, ये x लेंथ, dx लेंथ का, कितनी लेंथ का है, dx लेंथ का, ध्यान से देखिए, dx लेंथ का मैंने एक एलिमेंट्री सेक्शन, आपके लाइन चार्ज से x डिस्टेंस पे एक मैंने एलिमेंट्री सेक्शन कर दिया, डीएक्स बहुत छोटा सेक्शन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स डिस्टेंस पे होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगी, जो बहुत छोटा है, कांस्टेंट मान के चल सकते हैं, मतलब इन एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट इज ईएक्स, जो कि कांस्टेंट होगी। अगर आपको इस लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो लेंथ को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इस छोटे से सेक्शन में, इस छोटे से सेक्शन का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं बेटा यहां से लेके यहां तक इतने इन सारे के सारे छोटे से सेक्शन को ऐड कर दो पोटेंशियल को, तो पॉइंट ए से बी के बीच के मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप देखेंगे आपने क्या किया, आपने लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का एक सेक्शन कट किया, कितनी लेंथ का, डीएक्स लेंथ का। तो बेटा dx लेंथ जो है या फिर dx लेंथ का जो एलिमेंट्री सेक्शन है बहुत छोटा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी x डिस्टेंस पे होगी वही इस पूरे पूरे एलिमेंट्री सेक्शन पे होगी। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपको E इक्वल टू क्या होता है बेटा, E इक्वल टू होता है dv by dx। अगर आपको बेटा लेंथ मालूम है, इस लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, आपको x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, ये बहुत छोटा सेक्शन है, तो इस पूरे dx लेंथ के सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
एक्स ही होगी, ठीक है, कॉन्स्टेंट मान ली, ठीक है, देख रहा हूं बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट्री सेक्शन elementary strip of dx length किसकी वजह से, due to the line charge, इस line charge की वजह से ये जो elementary section है dx length का, इस elementary section में आपका कितना potential difference, length आपको मालूम है, इस dx लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज कितनी आई, ex आई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, लेंथ मालूम है, तो आपको इस एलिमेंट्री सेक्शन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एलिमेंट्री सेक्शन में छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो डी बोल रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एलिमेंट्री सेक्शन में, dx into what is the length, this is the dx, this is the potential difference in this elementary section, इस छोटे से elementary section में इतना potential difference होगा। अच्छा बताओ, अगर आपको इतने छोटे section का potential difference मालूम है, यहाँ A से लेके B तक जितने भी ये छोटे-छोटे elementary section होंगे, सारे के potential difference को add कर दिया, add करने का मतलब integration करना। अगर मैं सारे के साथ potential को add कर दूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक के potential को add करना है? R A से लेके R B तक, तो आपको total potential difference आ जाएगा, तो बस integrate कर देना बेटा। Now, this is nothing but the, अगर जो है मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्री सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, और इस आपको कहां कस से लेके कहां तक के एलिमेंट्री सेक्शन ऐड करना है, ए से लेके बी तक सारे के सारे वोल्टेज को ऐड करना है, तो एलिमेंट्री पोटेंशियल आपको मालूम है, इसको आपको ऐड करना है कहां से लेके, आर ए से लेके आर बी तक के, अगर सारे के सारे वोल्टेज को ऐड करते हैं एलिमेंट्री सेक्शन के, तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्री सेक्शन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, एलिमेंट्री सेक्शन का पोटेंशियल मालूम है, आपको सारे के सारे एलिमेंट्री सेक्शन के पोटेंशियल को ऐड करना है, कहां तक से लेके कहां तक के, आर ए से लेके आर बी तक, अगर मैं आर ए से लेके पॉइंट ए कितनी डिस्टेंस पे, आर ए डिस्टेंस में, पॉइंट बी आर बी डिस्टेंस पे, यहां से लेके यहां तक जितने भी एलिमेंट्री सेक्शन है सारे के, एलिमेंट्री सेक्शन के वोल्टेज को डीवी बोला, मैं सारे सारे एलिमेंट्री सेक्शन के वोल्टेज को ऐड करूं कहां से लेके, आर एस लेके आर बी तक, तो आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ए से बी के बीच, क्लियर है क्या, ए से बी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, आप सारे के सारे पोटेंशियल एलिमेंट्री सेक्शन के वोल्टेज को ऐड करें आर एस लेके आर बी, हेलो बस वैल्यू पुट करो जरा, हेलो दिस इज इंटीग्रेशन आर एस से लेके आर बी, हेलो डीवी की वैल्यू कितनी है, डीवी की वैल्यू, हेलो डीवी की वैल्यू कितनी है, ex into dx, और बेटा x डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी निकाली, हेलो x डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ex equal to 2 pi epsilon not q by x, बस वैल्यू पुट करो आंसर लो, vab दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r a से लेके r b, दिस इज 1 upon 2 pi epsilon not q divided by x into dx, आप देखेंगे dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट इज q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r a से लेके r b, दैट इज dx डिवाइडेड बाय x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x या फिर ln x, q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ln x,
और लिमिट हो जाएगी आर ए से लेके आर बी। पहले आप अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई एल एन नॉट एल एन अपर लिमिट माइनस एल एन लोअर लिमिट आर बी। और बेटा एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज एल एन दैट इज एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होगा एल एन ए बाई बी तो दिस इज एल एन आर बी बाई आर बी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ड्यू टू द लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से आपका दो पॉइंट ए और बी के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर बी बाई आर ए आर बी बाई आर ए। बेटा देखो जो बेटा लास्ट में लिखा होगा, हेलो पॉइंट बी लास्ट में लिखा है तो उसकी डिस्टेंस ऊपर आई, और जो पॉइंट बेटा पहले लिखा होगा पॉइंट ए उसकी डिस्टेंस आपकी लाइन चार्ज से नीचे आई। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि अगर मान लीजिए एक लाइन चार्ज है उसमें क्यू कूलम का चार्ज है और दो पॉइंट एक्स और वाई है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो, तो लाइन चार्ज में कितना चार्ज है क्यू कूलम, तो क्यू ऊपर आ गया। ध्यान से देखिए क्यू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट एल एन ऊपर कौन सी डिस्टेंस है कि लाइन चार्ज से वाई की डिस्टेंस, लाइन चार्ज की वाई से डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है आर वाई, और बेटा नीचे कौन सी डिस्टेंस है एक्स, लाइन चार्ज से पॉइंट एक्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर एक्स। दिस इज द फॉर्मूला। आर लिखो या फिर डिस्टेंस लिखो बात क्या है सेम है। ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है पॉइंट वाई की आपके लाइन चार्ज से डिस्टेंस जो कि आर वाई मैंने मान लिया, आप इसको डी वाई भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वो भी लिख सकते थे, बात क्या है सेम है। क्या क्लियर है? चलो अब हम लोग एक जनरल फार्मूला ड्राइव करने वाले, इस फार्मूला को ड्राइव करने के बाद आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ड्राइव नहीं कर रहा मैं आपको, लिखना बता रहा हूं। चलिए आपके पास मान लीजिए एन ग्रुप ऑफ द कंडक्टर है या फिर आपके पास एन लाइन चार्ज है, उन एन लाइन चार्ज की वजह से दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हम लोग निकाल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हर जगह इसी फार्मूले को लगाएंगे। मैं आपको ड्राइव नहीं करा रहा, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखना बताऊंगा। लिखें पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between two points, potential difference between two point due to अभी हमने केवल एक कंडक्टर की वजह से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकाला, एक की जगह मान ली n कंडक्टर है, ड्यू टू ग्रुप ऑफ n कंडक्टर्स या फिर आप लिख सकते हैं दैट इज n लाइन चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। चल अब मैं हमेशा जो है कौन सा व्यू बनाऊंगा बेटा, मैं हमेशा जो है लाइन चार्ज के लिए टॉप व्यू बनाऊंगा, ये वाला व्यू बनाऊंगा, ये वाला व्यू, ठीक है, ये वाला व्यू। मैं ये वाला व्यू नहीं बनाऊंगा, साइड व्यू नहीं बनाऊंगा, हमेशा टॉप व्यू बनाऊंगा। आपको दिखना चाहिए सिलेंडर होगा, ध्यान से देखिए। अगर ये लिखना सीख गए तो कैपेसिटर निकालना जीरो, मतलब कुछ नहीं, आप तुरंत निकाल लेंगे। आपके पास कितने कंडक्टर हैं, एन कंडक्टर का ग्रुप है, ठीक है, एन कंडक्टर का ग्रुप है, ठीक है। आपके पास एन लाइन चार्ज या फिर एन कंडक्टर है, दिस इज द फर्स्ट लाइन चार्ज या फिर फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, दिस इज द सेकंड। जैसे इंडक्टर्स में ड्राइव किया था वैसे यहां भी हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके पास दूसरा कंडक्टर है, ये आपके पास तीसरा कंडक्टर है, तीसरा लाइन चार्ज है, और ये आपका डॉट 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 ये आपके पास nth कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है, nth, nवा। पहले कंडक्टर या फिर पहले लाइन चार्ज पे कितना कूलम का चार्ज है, दिस इज नथिंग बट द प्लस क्यू ए। मैं लिख देता हूं, ये आपका कंडक्टर ए है, ये आपका कंडक्टर बी है, या फिर लाइन चार्ज बी मान सकते हैं, ये कंडक्टर सी है, ये कंडक्टर एन है। कंडक्टर ए पे प्लस क्यू ए कूलम पर मीटर का चार्ज है, और इसकी रेडियस है आर ए, इसकी रेडियस है आर ए। नाउ कंडक्टर बी पे प्लस क्यू बी कूलम का चार्ज है, कूलम पर मीटर, और इसकी रेडियस है, दिस इज आर बी। कंडक्टर सी पे प्लस क्यू सी कूलम पर मीटर का चार्ज है, और उसकी रेडियस है आर सी। और बेटा जो nth कंडक्टर है उसमें प्लस क्यू एन कूलम पर मीटर का चार्ज है, उसकी रेडियस है आर एन, उसकी रेडियस है आर, ठीक है। यहां पर आपके पास ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर है, ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर है, दो पॉइंट ले रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं। चलो डिस्टेंस भी आपको दिखा देते हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी डी ए बी। कंडक्टर ए और कंडक्टर सी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डी ए सी। कंडक्टर ए और कंडक्टर एन के बीच की डिस्टेंस है डी ए एन। इसी तरह और भी डिस्टेंस होंगी, बाकी डिस्टेंस मैंने लिखी नहीं। अब मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, दो पॉइंट, एक पॉइंट ले रहा हूं पॉइंट एक्स, एक ले रहा हूं पॉइंट वाई, ठीक है। एक पॉइंट मैंने लिया है एक्स, एक पॉइंट लिया है मैंने वाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास कंडक्टर ए है, एक लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज की वजह से इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हेलो, इस लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट एक्स में भी पोटेंशियल आएगा, इस लाइन चार्ज के पोटेंशियल वाई। तो बेटा पहले कंडक्टर ए की वजह से एक्स और वाई के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लाइन चार्ज बी की वजह से भी एक्स और वाई के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लाइन चार्ज सी की वजह से भी एक्स और वाई के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और बेटा लाइन चार्ज एन की वजह से भी एक्स और वाई के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन एन ग्रुप के कंडक्टर। अगर आपके पास एन ग्रुप का कंडक्टर है, आपके पास अगर एन ग्रुप में कंडक्टर, आपके पास ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर है, इन सारे कंडक्टर की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो टोटल बेटा जो एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, लाइन चार्ज ए की वजह से एक्स और वाई के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हेलो, अभी देखो हमने निकाला था
दो पॉइंट के बीच में किसी लाइन चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाला था, लेकिन ये तो एक लाइन चार्ज की वजह से निकाला ना। इस बार आपके पास एक लाइन चार्ज नहीं है, कितने लाइन चार्ज है? एन लाइन चार्ज है। तो पहले लाइन चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दूसरे लाइन चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तीसरे लाइन चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और nth लाइन चार्ज की वजह से आपके पास कुछ पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन सारे लाइन चार्ज की वजह से x और y के बीच में? तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, फार्मूला लिखना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए टोटल, इसको पहले बना लीजिए, हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कराया था लेकिन डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लिखना, जो है लिखिए फार्मूला लिखना, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे लिखना है। लिख रहा हूं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y ड्यू टू ग्रुप ऑफ n कंडक्टर्स, n कंडक्टर बोलिए, फिर n लाइन चार्ज है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा x और y के बीच में, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है Vx क्या है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला। ध्यान से देखो आप लिखेंगे, दैट इज Vxy क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, और y के बीच में टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज गिवन बाय द फार्मूला 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कितने लाइन चार्ज है बेटा, हेलो कितने लाइन चार्ज है, एन लाइन चार्ज है, तो एन चार्ज है आपके पास, एन लाइन चार्ज है, अगर आपके पास एन लाइन चार्ज है तो यहां पर कितने टर्म आएंगे, एन टर्म आएंगे, कितने टर्म आएंगे, एन टर्म। अगर दो लाइन चार्ज होते तो दो टर्म आते, तीन लाइन चार्ज होते तीन टर्म आते, कितने लाइन चार्ज है, एन लाइन चार्ज, ठीक है। तो यहां पर एन टर्म आएंगे, कितने टर्म आएंगे, एन टर्म, पहला टर्म आएगा प्लस दूसरा टर्म आएगा प्लस तीसरा टर्म आएगा, और इस तरह डॉट 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 कितना टर्म आएगा, एंथ टर्म आएगा, टोटल कितना टर्न आएगा, एन टर्न आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, टोटल कितना टर्न आएगा, एन टर्न आएगा। पहले लाइन चार्ज पे, हेलो पहले लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, पहले लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू ए, कितना चार्ज है, क्यू ए, पहले लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू ए, तो आपने क्या लिख दिया, क्यू ए एलएन एलएन, ब्रैकेट लिखेंगे डी ए डिवाइडेड बाई डी ए, अभी मैंने पूरी डिस्टेंस नहीं लिखी, हेलो पहले लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू ए, फिर लिखेंगे एल एन, यहां पर लिखेंगे डी ए डी ए, ठीक है, चलो प्लस दूसरे लाइन चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, दूसरे लाइन चार्ज में कितना पोटेंशियल, कितना लाइन चार्ज है, क्यू बी, फिर लिखेंगे एल एन डी बी डिवाइडेड बाई डी बी, जो सफिक्स यहां पर होगा वही सफिक्स यहां पर आएगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, मैं लिखना बता रहा हूं फार्मूला। प्लस तीसरे लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू सी एल एन, क्या लिखेंगे, डी सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डॉट 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 डॉट, एंथ लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू एन एल एन, क्या लिखेंगे, डी एन डिवाइडेड बाई डी एन, आप जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर आपने ए ए लिख दिया था, दूसरा लेटर क्या लिखेंगे, हेलो किन दो पॉइंट के बीच में निकला है, एक्स और वाई, हेलो सेकंड वाले को ऊपर लिख दो और फर्स्ट वाले को नीचे लिख दो, केवल फर्स्ट, दैट इज सेकंड वाले को ऊपर लिखना है और फर्स्ट वाले को नीचे लिखना है, तो डी के साथ क्या आ जाएगा, डी ए वाई, और यहां पर डी ए एक्स, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई, और ये क्या रिप्रेजेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए और एक्स, ठीक है। नाउ
दिस इज नथिंग बट द, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर क्यू भी था, हेलो एक्स और वाई के बीच में निकालना था ना, एक्स और वाई के बीच में जो दूसरा लेटर होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और जो पहला लेटर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा वाई और यहां पर आ जाएगा एक्स। नाउ दूसरा लेटर न्यूमरेटर में आएगा तो यहां पर आ जाएगा वाई और यहां पर आ जाएगा एक्स, दूसरा लेटर न्यूमरेटर में आएगा और पहला लेटर आपका डिनोमिनेटर में आएगा। हो गया, फार्मूला लिख गया, ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट, डी ए वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई, हेलो लाइन चार्ज ए और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड डी ए एक्स। ये क्या है, दैट इज लाइन चार्ज ए और पॉइंट एक्स के बीच का डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एक्स, लाइन चार्ज बी और लाइन चार्ज बी एंड पॉइंट वाई के बीच का डिस्टेंस, लाइन चार्ज बी और पॉइंट एक्स के बीच का डिस्टेंस, लाइन चार्ज सी और वाई के बीच का डिस्टेंस, लाइन चार्ज सी और पॉइंट एक्स का डिस्टेंस, ठीक है। चलिए फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, अब मैंने एक्स और वाई बताया था, हो गया, किसी को कोई दिक्कत, फिर से एक बार लिख के देखते हैं इसी चीज को, मैं एक बार अब लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, एक्स और वाई के बीच में, हेलो एक्स और वाई के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, क्या आएगा, वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना लाइन चार्ज है, एन लाइन चार्ज है तो एन ब्रैकेट आ जाएंगे, क्या आएगा, क्यू ए एल एन। अगर यहां पर लाइन चार्ज ए के बारे में बात करें तो पहले आप लिखेंगे डी ए डिवाइडेड बाई डी ए प्लस दूसरे लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू बी एल एन डी बी डिवाइडेड बाई डी बी प्लस क्यू सी, तीसरे लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू सी एल एन डी सी डिवाइडेड बाई डी सी प्लस डॉट 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 क्यू एन एल एन डी एन डिवाइडेड बाई डी एन। अब दूसरा सफिक्स क्या आएगा, हेलो दूसरा सफिक्स एक्स और वाई के बीच में निकाल रहे हैं ना, एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो दूसरा वाला लेटर न्यूमरेटर में पहला, दूसरा वाला लेटर न्यूमरेटर में और पहला वाला लेटर डिनोमिनेटर में, हेलो आपका पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर, हर जगह एक्स वाई दिस इज एक्स, दूसरा वाला लेटर न्यूमरेटर में और पहला वाला लेटर डिनोमिनेटर, आपको लिखना नहीं आपको समझना है, ठीक है। चलो फिर से बात करते हैं जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलो अब हम बात करते हैं, मेरे पास ध्यान से देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूं, आपको फिगर दोबारा नहीं बनाना है, आपके पास बना होगा। अब हम बात कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट ए है, हेलो ये आपका लाइन चार्ज ए है, ये लाइन चार्ज आपका बी है, ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूं, आपके पास एन ग्रुप ऑफ कंडक्टर है, एन ग्रुप ऑफ कंडक्टर है, कितना ग्रुप ऑफ कंडक्टर, एन ग्रुप, इस ग्रुप में एन कंडक्टर है या फिर एन लाइन चार्ज है, इन एन लाइन चार्ज की वजह से कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में, इन दोनों कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये निकाला। अब मैंने पहले एक्स वाई लिखा था, अब मैं बात कर रहा हूं, आपके पास एन लाइन चार्ज है या फिर एन कंडक्टर, इन एन कंडक्टर की वजह से आपके कंडक्टर ए मतलब इस पॉइंट और कंडक्टर बी
इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बिल्कुल आसान है, कंडक्टर ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना। देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला मुझे बताना है, तो जो मैं बताने जा रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन 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 कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी बिटवीन, अच्छा इसको मैं कंडक्टर ए कंडक्टर बी लिख के ए और बी लिख दूं क्या, इसको लिख देता हूं ए और इसको लिख देता हूं बी, ए का मतलब है कंडक्टर ए और बी का मतलब कंडक्टर बी, ठीक है, ये कंडक्टर ए, ये दिस इज कंडक्टर बी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, चलो बिटवीन ए एंड बी, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, ए और बी ले रहे हैं इस बार, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में, ड्यू टू ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए और बी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी ए बी, हेलो वी ए बी, दैट इज कितना आएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, कितने बेटा लाइन चार्ज है, एन लाइन चार्ज है, तो पहले लाइन चार्ज की वजह से ए और बी के बीच में कितना होगा, दैट इज पहले लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू एन क्यू ए एल एन, कितना आ जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाई डी ए, दूसरे लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू बी एल एन डी बी डिवाइडेड बाई डी बी, प्लस तीसरे लाइन चार्ज में क्यू सी एल एन डी सी डिवाइडेड बाई डी सी, प्लस एंथ लाइन चार्ज में कितना चार्ज है, क्यू एन एल एन डी एन डिवाइडेड बाई डी एन, यही फार्मूला मुझे बताना था, अब मैं आपको बता रहा हूं। हेलो ए और बी के बीच में निकालना है ना, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दूसरा वाला लेटर न्यूमरेटर में, पहला वाला लेटर डिनोमिनेटर में, हेलो दूसरा वाला लेटर है बी, पहला वाला लेटर है ए, दूसरा वाला लेटर न्यूमरेटर में, पहला वाला लेटर डिनोमिनेटर में, बी ए बी ए बी ए, दिस इज बी। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, यहां पर कुछ डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं इस फार्मूले में। हेलो इस फार्मूले में नजर डालिए जरा इन दो डिस्टेंस के बारे में, डी ए ए और डी बी बी। जब आप ए और बी के बीच में निकालेंगे तो एक बार डी ए ए आएगा और एक बार डी बी बी आएगा। हेलो डी ए ए क्या है, हेलो, और डी बी बी क्या है, हेलो डी ए ए डी ए क्या है, आपके लाइन चार्ज ए की, हेलो लाइन ए की लाइन चार्ज ए से डिस्टेंस, खुद से खुद की डिस्टेंस है, इंडक्टेंस में खुद से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस कहलाती थी, उसकी वैल्यू होती थी 0.7788 आर। कैपेसिटेंस निकालते समय खुद से खुद की डिस्टेंस खुद की रेडियस होगी, इफेक्टिव रेडियस, कैपेसिटेंस निकालते समय ये क्या है, लाइन चार्ज ए की लाइन चार्ज ए से डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड खुद से खुद की डिस्टेंस। खुद की खुद से डिस्टेंस, इंडक्टेंस निकालते समय खुद से खुद की डिस्टेंस को हम लेते थे इफेक्टिव रेडियस, उसकी वैल्यू होती थी 0.7788 आर, लेकिन कैपेसिटर निकालते समय खुद से खुद की डिस्टेंस आपके खुद की रेडियस होगी, तो दैट इज
आपके लाइन चार्ज ए की लाइन चार्ज ए से डिस्टेंस आपके लाइन चार्ज ए की रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी. व्हाट द रेडियस ऑफ लाइन चार्ज ए? आर ए. इफेक्टिव रेडियस नहीं होगी यहां पर. डी ए ए क्या बताएगा? आपके लाइन चार्ज ए की लाइन चार्ज से डिस्टेंस. खुद से खुद की डिस्टेंस कैपेसिटर निकालते समय क्या होगी? रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी. खुद से खुद की डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी? रेडियस, जो की हो जाएगी आर ए, लाइन चार्ज ए की डिस्टेंस. कैपेसिटेंस इंडक्टेंस निकालते समय यह होगी 0.7788 आर ए, लेकिन कैपेसिटेंस में वो आपकी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी. हेलो, डी बी बी क्या होगा? ये भी आपके लाइन चार्ज बी की खुद से खुद की डिस्टेंस, लाइन चार्ज बी की लाइन चार्ज बी से डिस्टेंस. ये भी क्या है? खुद की खुद से डिस्टेंस, खुद की खुद से डिस्टेंस कैपेसिटर निकालते समय इफेक्टिव रेडियस नहीं होगी, ये उस लाइन चार्ज की रेडियस होगी. दिस इज आर बी, दिस इज आर बी. वेरी वेरी दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं. कैपेसिटर निकालते समय इफेक्टिव रेडियस नहीं लेना है, आपके लाइन चार्ज की रेडियस लेना. यहां देखिए, ठीक है, चलो यहां देखो. अच्छा, ये क्या होगा? डी ए बी क्या होगा? डी ए बी क्या होगा? लाइन चार्ज ए की लाइन चार्ज बी से डिस्टेंस. डी बी ए क्या होगा? लाइन चार्ज बी की लाइन चार्ज ए से डिस्टेंस. डी सी ए सी बी क्या होगा? लाइन चार्ज सी की लाइन चार्ज बी से डिस्टेंस. सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेनी, सी की ए से डिस्टेंस, एन की बी से डिस्टेंस, एन की ए से डिस्टेंस. ठीक है, चलो. अब एक और फार्मूला आपसे पूछ रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस. मान लीजिए, फिर से देखिए, पूछ रहा हूं मैं आपसे. मान लीजिए आपके पास एक एन ग्रुप ऑफ द कंडक्टर है, एन कंडक्टर्स का ग्रुप है. इसमें से आपको लाइन चार्ज सी और लाइन चार्ज एन के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? हेलो, लाइन चार्ज एन और लाइन चार्ज सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. इस आप देखेंगे, इसकी वजह से भी इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल. हेलो, ए की वजह से इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आएगा, बी की वजह से भी इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आएगा, सी इस लाइन चार्ज की वजह से इन दो पॉइंट के बीच में. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? फॉर्मूला लेता हूं. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी या फिर लाइन चार्ज सी एंड लाइन चार्ज एन ड्यू टू the group of n conductors. यही सबसे टफ पार्ट था. अगर आपने ये समझ लिया तो कैपेसिटेंस तो आप दो सेकंड में निकाल लेंगे हर एक कॉन्फ़िगरेशन. चलो, आपको c और n के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस n ग्रुप ऑफ द कंडक्टर में, दैट इज 1/2πε0 एन लाइन चार्ज है. पहले लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्यू ए एल एन डी ए डिवाइडेड बाई डी ए, फिर क्यू बी एल एन डी बी डिवाइडेड बाई डी बी. सी और एन है ना, तो एक बार सी सी आएगा और एक बार एन एन आएगा. क्यू सी एल एन डी सी डिवाइडेड बाई डी सी प्लस nth लाइन चार्ज की वजह से आएगा क्यू एन एल एन डी एन डिवाइडेड बाई डी एन. हेलो, पहला सेकेंड लेटर न्यूमरेटर में, फर्स्ट लेटर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आएगा बेटा एन सी एन सी. यहां देखिए बेटा एन सी. हेलो, सी सी आया ना, खुद से खुद की डिस्टेंस. इफेक्टिव रेडियस नहीं होगी, रेडियस होगी. नाउ दिस इज, नाउ सेकेंड लेटर न्यूमरेटर में एन और बेटा फर्स्ट लेटर डिनोमिनेटर में सी. यहां मैं लिख रहा हूं वेयर डी सी सी एंड डी एन एन, ये क्या है? खुद से खुद की डिस्टेंस, खुद से खुद की डिस्टेंस. कैपेसिटर निकालते समय वो रेडियस होगी,
जो कि आपकी होगी ये होगी RC और बेटा DNN क्या होगी RN, nth लाइन चार्ज की रेडियस। तो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए ये फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं। सिंगल फेज टू वायर लाइन में दो आपके पास लाइन चार्ज होंगे, दो लाइन चार्ज की वजह से दोनों लाइन चार्ज के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा निकाल डालेंगे, बस यही फार्मूला लगा देंगे। थ्री वायर लाइन होगी तो तीन लाइन चार्ज होंगे, तीन लाइन चार्ज के तीन ग्रुप ऑफ द लाइन चार्ज है, टोटल आपका दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस निकालना हो तो दो पॉइंट के बीच में कितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, हो गया। यहां पर देखिए कैपेसिटेंस निकालते समय, हेलो ये चीज याद रखेगा, फॉर नोट करके लिखिए, फॉर कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, और फॉर इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन करते समय डी ए ए डी बी बी डी सी सी और डी एन एन ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये खुद से खुद की डिस्टेंस आपकी रेडियस कहलाएंगे। ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर बी, लाइन चार्ज सी की रेडियस और लाइन चार्ज एन की रेडियस। लेकिन इंडक्टेंस निकालते समय डी ए ए डी बी बी डी सी सी एंड दैट इज डी एन, ये आपका इफेक्टिव रेडियस कहलाती है। दिस इज इफेक्टिव रेडियस आर ए डैश, ये हो जाएगा 0.7788 आर ए इफेक्टिव रेडियस। दिस इज कंडक्टर बी की इफेक्टिव रेडियस आर बी, इफेक्टिव आर बी डैश हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0.7788 आर बी। दिस इज आर सी डैश, दिस इज 0.7788 आर सी एंड दिस इज nth रेडियस, nth लाइन चार्ज की या फिर nth कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस आर एन डैश, दिस इज 0.7788 आर। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अंतर है कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस कैलकुलेशन के समय। खुद से खुद की रेडियस इंडक्टेंस में इफेक्टिव रेडियस होती है, लेकिन कैपेसिटेंस में वो आपके खुद के लाइन चार्ज की रेडियस होगी। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटेंस कैलकुलेशन फॉर सिंगल फेज टू वायर लाइन। खत्म हो गया कैपेसिटेंस वाला टॉपिक, क्योंकि आपने ये वाला फार्मूला अगर सीख लिया जो मैंने आपको बताया है तो आप जो है कहीं भी कहीं कभी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का कैपेसिटेंस आसानी से निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल चाहिए, और अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो चार से डिवाइड कर दीजिएगा। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस of single phase two wire line ठीक है। तो इसको कल करते हैं, जो है कल मैं आपको सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद दो ही के पीछे जाते हैं, बाकी के मैं फार्मूले लिखा दूंगा ठीक है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे, फिर केबल स्टार्ट कर देंगे आपको। छोटा कर दें, हाँ दो तीन दिन बेटा मैं हूं नहीं इलाहाबाद में, मैं आपका टाइम बढ़ा दूंगा। एक्चुअली मैं कल घर जा रहा हूं कुछ काम से, तो परसों नरसों मैं आपकी लंबी क्लास ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं रहेंगी। चल थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।